स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके और हमारे अपने चैनल स्टडी भारती के ऊपर। स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे जानते हैं कि मैंने इस चैनल के ऊपर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, आप लोगों की नीड को देखते हुए मैंने अब, क्योंकि नीट पीएमटी का एग्जाम जो है वो बहुत पास आ चुका है और उसके लिए आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के सामने वीडियोस लेकर आया हूं, जिसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, यानी कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के अगर आप ये 20-30 क्वेश्चंस भी एक बार आप नजर मार लेंगे तो आपका पीएमटी में बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है किसके ऊपर, रेस्पिरेशन के ऊपर। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है बताइए, ऑक्सीजन अब्सॉर्ब होती है, रिलीज होता है, CO2 रिलीज होती है या फिर CO2 अब्सॉर्ब होती है। एनएरोबिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, CO2 क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक आए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोलिसिस, फॉस्फोरिलेशन और स्टार्च सिंथेसिस। तो ये क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। The next question is that the Krebs cycle takes place in vesicles of endoplasmic reticulum, mitochondria, dicytosome or chloroplast. तो ये किस में होता है, mitochondria में होती है। Krebs cycle जो होती है वो कहाँ पे होती है, mitochondria में। Next is the ATP synthesis occurs on the, कहाँ पर होती है ATP synthesis, that the outer membrane of mitochondria, inner membrane of mitochondria, matrix or none of the above. तो ये कहाँ पे होती है, inner membrane of the माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट द एनर्जी करेंसी और रिजर्वर ऑफ द सेल बताइए क्या है, एएमपी, आरएनए, डीएनए और एटीपी। तो वो क्या है आपका, एटीपी, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है आपका, एटीपी। देन नेक्स्ट इज दैट द रिएक्शन ऑफ क्रैब साइकिल टेक्स प्लेस इन, तो क्रैब साइकिल की रिएक्शन जो होती है वो कहां होती है, दैट साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर ऑन द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कहां होती है, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, ईएमपी पाथवे, पीसीए पाथवे, एचएमएस पाथवे और कार्बन पाथवे। तो ये कौन सा पाथवे है, दैट ईएमपी, एम्बेडन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे, इसको क्या कहते हैं, एम्बेडन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे भी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुविक एसिड विद सेवरल इंटरमीडिएट स्टेप्स इज नोन एज, क्या कहते हैं बताइए, डीसीए साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, एचएमएस पाथवे और क्रैब साइकिल। तो इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। द नेक्स्ट इज, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड फॉर्म फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एट द एंड ऑफ ग्लूकोज, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड बनते हैं जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोलिसिस से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़ते जाइए आपका पीएमटी कोई रोक भी नहीं सकता। Then next is, whom molecule of pyruvic acid is subjected to anaerobic oxidation and forms lactic acid, and there is loss of 3 ATP molecule, loss of 6 ATP molecule, gain of 2 ATP molecule or gain of 4 ATP molecule. तो यहाँ पे क्या होता है, loss of 3 ATP molecules. Next is, the enzyme which converts glucose to glucose 6-phosphate is phosphorylase, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोज सिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या है, हेक्सोकाइनेज। तो क्या आंसर है इसका, हेक्सोकाइनेज। देन नेक्स्ट इज द पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग, पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज किस चीज के लिए यूज होता है, दैट पाइरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने में, पाइरुवेट टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू पाइरुविक एसिड और पाइरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड। तो देखिए पाइरुविक डीहाइड्रोजिनेज जो है वो क्या होता है, जैसे ही ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हुआ तो पाइरुविक एसिड को क्रैब साइकिल में एंटर करना है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए,
एसिटाइल कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, पाइरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके सॉरी, sorry for the disturbance. Like next is the conversion of pyruvic acid into ethyl alcohol is facilitated by enzyme. तो कौन सी enzyme है? Decarboxylase, dehydrogenase, both और phosphatase. तो ये क्या है? Decarboxylase और dehydrogenase दोनों ही enzymes हैं जो conversion करती हैं pyruvic acid का ethyl alcohol में. Then the next is the respiratory enzymes are located in. Respiratory enzymes कहाँ located होती है? Mitochondrial matrix में, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, क्रिस्टे में और आउटर मेम्ब्रेन में. तो ये कहाँ होती है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती हैं. एंजाइम्स जो होती है हमेशा याद रखिएगा एक फ्लूड के अंदर अवेलेबल होंगी, वो कभी भी उस लेयर पे, मेम्ब्रेन पे, स्पेस के अंदर, ब्लैंक स्पेस में अवेलेबल नहीं होंगी. एंजाइम्स हमेशा फ्लूड के अंदर अवेलेबल मिलेंगी आपको. देन नेक्स्ट इज द फर्मेंटेशन. इस फर्मेंटेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है और नन ऑफ द अबव. तो ये क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है. नेक्स्ट द रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन क्या है? एनाबोलिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एंड्रोगोनिक प्रोसेस है. तो पहले भी बताया था ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. नेक्स्ट इज द आरओ, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो होता है फॉर फैटी एसिड और सब्सटेंस क्या होता है? यूनिटी, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन और जीरो. तो ये क्या होता है? हमेशा लेस देन वन होता है. जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है आर क्यू होता है, सॉरी, ये क्या होता है? लेस देन वन होता है. नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? 1, 2.5, 1.5. तो ये क्या होता है? वन होता है. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? वन होता है. एंड नेक्स्ट इज द एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन एनर्जी मेटाबोलिज्म इज प्लेस्ड बाय. तो वो क्या होता है? सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम और लिथियम. तो उसमें किसका रोल होता है? फास्फोरस का रोल होता है. ओके, लास्ट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के ऊपर या इस वीडियो का, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. कितनी एनर्जी होती है? देखिए ये क्वेश्चन तो पीएमडी में आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो वो क्या है? 7.3 KCl. फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर.